कहलाते हैं। और चार वो है कि जिनमें आपने सिर्फ कुछ लोगों को भेज दिया है किसी अमीर के तहत, वो सराया कहलाते हैं। तो ये जो सूरत हाल हुई, और इसमें ये भी हुआ कि हुजूर जहां जाते थे खुद, तो वहां के कबाइल से आप मुआहदे कर लेते थे। अब या तो वो जो कबाइल जो थे मकामी, पहले तो वो कुरैश के हलीफ थे, अब या तो वो हुजूर के हलीफ हो गए, मुसलमानों के हलीफ हो गए, तो कुरैश की ताकत कम हुई, मुसलमानों की बढ़ गई, या ये है कि वो न्यूट्रल हो गए कि हम ना कुरैश की मदद करेंगे आपके खिलाफ, ना आपकी मदद करेंगे कुरैश के खिलाफ, न्यूट्रल हो गए। उससे भी ये है कि कुरैश का जो हल्का असर था, सियासी जोन ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, वो कम हो रहा है। ये दो चीजें ऐसी हुई हैं, पॉलिटिकल आइसोलेशन ऑफ कुरैश एंड इकोनॉमिक ब्लॉकेट ऑफ मक्का, जिसके नतीजे में मक्के वाले जो हैं, फिर यूं समझिए कि तंग आमद बजंग आमद, वरना मक्के वालों की तरफ से कोई आगाज साबित नहीं है तारीख में कि हुजूर के और मुसलमानों के मक्के से जाने के बाद उनकी तरफ से कोई इब्तदा हुई हो, कोई इनिशिएटिव लिया गया। दो वाकयात खास तौर पर ऐसे हो गए कि एक छोटा सा आपने एक दस्ता भेजा था नखला, और ये नखला जो है ये मक्के और ताइफ के माबैन है, यूं समझिए किस कदर फासले पर, और वहां मुठभीड़ हो गई जो मुसलमान वहां भेजे गए थे उनके कुफार के साथ। वहां एक मुशरिक मक्के का मारा गया, एक को इन्होंने कैद किया, साथ ले आए कुछ सामान जो उनका तिजारत था वो भी ले आए, वह माल गनीमत समझ कर। तो हुजूर अगर से नाराज हुए कि मैंने तुम्हें लड़ने का हुक्म नहीं दिया था, मैंने इसलिए भेजा था कि वहां रहो और कुरैश की नकलो हरकत से हमें मुतला करते रहो, लेकिन अब सिचुएशन पैदा हो गई। गोया कि ये चाहे इरादा था या नहीं था, डिफेक्टो शक्ल यही हुई कि इकदाम हो गया मुसलमानों की तरफ से, अब आगाज हो गया मुसलमानों की तरफ से। उधर जब अबू सुफियान लेकर जा रहे थे बहुत बड़ा काफिला शाम की तरफ, तो हुजूर ने उसका ताकुब किया, लेकिन वो तेजी से निकल गए थे। लेकिन जब वापस आ रहे थे और 50,000 दीनार का सामान था उनके काफिले के अंदर, बहुत लदा पदा काफिला, उन्हें यह खतरा हुआ कि अब फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी कहीं लूटेंगे हमें और हमारे ऊपर हमला करेंगे, रोकेंगे हमारा रास्ता। तो उन्होंने ये की दोहरी हिकमत अमली की कि एक तो यह कि एक सवार भेजा आगे तेजी के साथ दौड़ाया कि मक्के जाओ, कहो कि मेरे हमारे काफिले को खतरा है मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा मदद भेजो। और उधर यह किया कि वो आराम रास्ता जो था, जो बदर से होकर गुजरता था, उसे छोड़कर साहिल समुन्द्र के साथ साथ नीचे से होकर वो निकल भी गए। अब वहां मक्के में ये दोनों चीजें एक वक्त पहुंच गई, एक तरफ वो नखला से लोग रोते पीटते चीखते चिल्लाते हमारा आदमी मार दिया मोहम्मद के आदमियों ने, वो आ गए, उधर से वो आ गया जो अबू सुफियान का भेजा हुआ था एलची कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, तुम्हारा काफिला मोहम्मद लूटने वाले हैं और ये है और वो है। बस वो वार क्राई वहां हुई और 1,000 का लश्कर जो है वहां पर फिर जमा किया गया और 900 ऊंट फराहम किए गए और 100 घोड़ों का एक रिसाला तैयार किया गया और वो लोग मक्के से निकल आए। ये सूरत हाल उधर हो रही थी। इधर यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में पहले तो ये फैसला किया था कि अब ये काफिला वापस आने वाला है तो अब इस काफिले का ताकुब करें, अभी जंग वगैरह का आपको गुमान नहीं था। अभी मदीने ही में आपने ये जो है इस ऐसा इरादा जाहिर किया कि जैसे पहले भी गए थे जब काफिला जा रहा था शाम की तरफ तो ताकुब किया था, ऐसे जब आ रहा है तो उसे इंटरसेप्ट करें। लिहाजा एक तो मुशावरत हुई है मदीने में, आया चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए वो मैं बाद में अर्ज करूंगा जब हम आयतें पढ़ेंगे। फिर जब कुछ लोग निकल आए और यह नहीं समझा गया था कि कोई जंग होनी है, कोई बड़ा लश्कर आ रहा है, उस वक्त तक इतला नहीं थी, इसीलिए बस जो जिसके हाथ में आया, किसी के पास नेजा था, किसी के पास कुछ और था, तलवारें 8 थीं, घोड़े कुल 2 थे, वो चल पड़े, चलो, इसलिए कि मसला तो काफिले का मसला है ना, कोई जंग तो है नहीं, कोई लश्कर वश्कर तो आ नहीं रहा। जब आप कुछ सफर तय करके मकाम सफरा तक पहुंच गए तो वहां वही आ गई और आपको इतला भी पहुंच गई कि अबू जहल जो है 1,000 का लश्कर लेकर मक्के से चल पड़ा है। और वही भी आ गई, अल्लाह ने बता दिया कि ए नबी, अब ये दो शक्लें हैं, जुनूब से मक्के की तरफ से एक लश्कर आ रहा है कील कांटे से लेस है, शिमाल से काफिला आ रहा है, और मेरा ये वादा है कि इन दोनों में से एक जरूर तुमको दे दूंगा, तुमको फतह हासिल हो जाएगी, ये मेरे अहले ईमान को बता दीजिए और जरा मशवरा कीजिए। तो दूसरी मुशावरत जो है वो मदीने से निकल कर हुई है मकाम सफरा में। ये असल में जो चीज़ें अगर सामने ना हो तो फिर ये बहुत खलजान होता है और अक्सर लोगों को, मुतरजमीन को और मुफस्सरीन को बहुत खलजान रहा है इन आयात के समझने में। और इसके अलावा जो एक खलजान रहा है वो ये रहा है कि एक दौर हम पर ऐसा गुजरा है अंग्रेज़ के हुकूमत के ज़माने में,
और ख़ास तौर पर जब नई नई मगरबी साइंस और मगरबी तहजीब का हम पर हमला हुआ है, तो चूंकि मगरब के लोगों ने यह कहा कि ये इस्लाम तो तलवार से फैला है, बुए खूं आती है इस कौम के अफसानों से, तो हमारे यहाँ कुछ मुखलिस लोग थे, नेक लोग थे, जो चाहते थे कि इस्लाम को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बचाएं, उसके दफा करें। उनका नहीं नहीं इस्लाम तलवार से नहीं फैला, हुजूर ने तो जो जंगें की थी वो सिर्फ मुदाफियाना थी, उनके ऊपर जंग ठूस दी गई थी और आपने कोई इकदाम नहीं किया। और इनमें सबसे बड़ा काम किया है हिंदुस्तान में मौलाना अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं उनका नाम अदब से लूँगा इसलिए कि सर सैयद अहमद के ज़ेरे असर थे, और वो जो जदीद जो अभी आया था जो मगरबी अफकार और ख्यालात और तहजीब और तमद्दुन और वैल्यूज़ और नज़रियात का जो रेला आया था उसका मुकाबला करना आसान काम नहीं था। तो ये अपोलोजेटिक अंदाज इख्तियार किया है शिबली नुमानी ने, और उसमें यह है कि वो जो इब्तदाई जो आठ जो गजवात और सराया हैं जो बद्र से पहले हुए उन्हें बिल्कुल तकरीबन नज़रअंदाज कर दिया है, ताकि ये साबित ना हो कि इनिशिएटिव हुजूर की तरफ से हुआ है। तो ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि एक ख़ास दौर का तकाजा थी, वो दौर का गुजर चुका। अब इस्लाम का ये फ़िक्र कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, ये अपना गलबा चाहता है, और हुजूर को भेजा गया था इसलिए कि दीन को गालिब करें, और दीन को गालिब करने की जद्दोजहद एक इनकलाबी जद्दोजहद है। उस इनकलाबी जद्दोजहद में जहाँ पहला मरहला यही होता है कि पैसिव रेजिस्टेंस हो और पहले तैयारी की जाए, दावत तंजीम तरबियत और सब्र महज के जरिए से एक कुव्वत फराहम की जाए, फिर दूसरा मरहला आता है बातिल के साथ टकराना पड़ता है और उसमें आगे बढ़कर टक्कर मोल लेनी पड़ती है। ये नहीं है कि इंतजार ही करते रहें, यानी ये जिसको हम कहते हैं को एग्जिस्टेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस हक और बातिल के दरमियान नहीं हो सकती। हक कैसे तस्लीम कर सकता है कि बातिल भी मौजूद रहे? हाँ, हक में जान नहीं है, अहले हक जो हैं वो बेजान हैं, मुर्दा हैं, तो मजबूरी है, लेकिन अगर अहले हक में जान हो तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि बातिल जो है उसका गलबा रहे? हाँ, बातिल जो है वो नीचा होकर रहे, अगर वो मगलूबियत की शक्ल इख्तियार कर ले तो ठीक है, लेकिन ये कि बातिल का गलबा हो और अहले ईमान में जान भी हो, तो ये दो चीज़ें जो हैं ये तो एक दूसरे से बिल्कुल मुतजाद हैं। जैसे हजरत अबू बकर ने फरमाया था, अयुबद्दलुद्दीन वाना हय, क्या दीन में तरमीम की जाएगी जबकि अभी मैं जिंदा हूं? मेरे जीते जी दीन के अंदर तरमीम यह मुमकिन नहीं है। तो वही बंदा मोमिन की शान होनी चाहिए। तो असल हकायक वल्हा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वाजे हो चुके हैं। बहरहाल इतना पस मंजर जो है जान लीजिए, और एक खास उसलूब जो है सूरह मुबारका का, अगर चाहिए तकरीबन एक खुतबा है, तकरीबन एक खुतबा है, मुसलसल 10 रुकू है, लेकिन इसमें एक खास मसले को निकाल कर पहले दरमियान शुरू में ले आए हैं। इसकी बहस आएगी तकरीबन वस्त में जाकर, लेकिन इस उसलूब को यहां नोट कर लीजिए, वो इसलिए कि यही उसलूब है जिससे हमें समझने में मदद मिलेगी सूरह तौबा के जो तरतीब मजामीन है वहां भी बहुत इश्काल है, बहुत इश्काल है, और बहुत से मुतरजमीन को जदीद दौर के जो ज्यादा मेहनत नहीं कर सके हैं, मुस्तरजुमा मुकम्मल करना उन्होंने अपने पेश नजर रख लिया, तफसीर मुकम्मल करनी ही है, लिहाजा वो तेजी के साथ वो दिक्कत नजर का सबूत न दे सके, तो उसमें बड़े खलजान पैदा कर दिए। वो उसलूब क्या है कि इस पूरी बहस में सबसे एक नुमाया मसला ये हो गया था गज़वाए बदर के बाद कि माल गनीमत पर मुसलमानों में झगड़ा हो गया। पहली जंग थी, गनीमत की तकसीम कैसे होगी, उसका कानून क्या है, उसका ज़ाब्ता क्या है, वो मालूम नहीं था। और यह कि आम तौर पर जो अरब में पहले रिवाज था वो तो यह था कि जिसके हाथ जो लग गया बस वो उसका है, वो तो लूट मार जानते थे, वो बाकायदा जंग जो है वो तो उनके यहाँ उस तरीके से मुनज़्ज़म कोई तंजीम तो थी नहीं, तो जो जिसके हाथ लग गया। अब लोगों ने यह समझा गज़वाए बदर में जिसने जो कुछ माल गनीमत जमा किया वो उसका है। अब कुछ लोगों ने कहा, साहब कि हम यहाँ हुजूर के हिफाजत के लिए मामूर थे, यहाँ पहरे पर थे, हम तो माल जमा नहीं कर सके, तो क्या मतलब है हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा? या ये है कि कुछ बुजुर्गों ने कहा, जो वो उतनी भाग दौड़ तो नहीं कर सकते जितने नौजवान कर सकते थे, भाग कर दौड़ कर इधर से उधर जमा कर लेना, लेकिन यह कि उनकी हैसियत होती है, वजाहत होती है, तो एक झगड़ा पैदा हो गया कि ये किस तरीके से तकसीम हो, किसका कितना हक है। तो उस झगड़े का जिक्र करके सूरत शुरू की है, लेकिन उसके ऊपर कोई बात यहां नहीं की, बल्कि कैटेगोरिकल बात की है कि जड़ काट दी उसकी, लेकिन उस पर जो असल हुक्म है वो बाद में आएगा वस्त सूरत में। माल गनीमत के लिए यहां लफ्ज आया अनफाल, यस अलूना कानिल अनफाल, ए नबी ये आपसे अनफाल के बारे में पूछ रहे हैं। अनफाल जमा नफल की, नफल कहते हैं किसी इजाफी शय को, जैसे नमाज फर्ज है, ये सुन्नत मौकदा है, ये फला है, ये नफल है, इजाफी है, आपकी मर्जी पर है, पढ़े ना पढ़े।
تو جو کہ جنگ میں اصل شے جو مطلوب ہوتی ہے وہ فتح ہوتی ہے، مال غنیمت تو ایک اضافی شے، بونس ہے جو مل گیا، ورنہ اصل شے جو ہے